इस वक्त आप देख रहे हो वॉइस ऑफ एमपी में आपके साथ सिद्धार्थ। केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 16 सितंबर को रतलाम जिले में छावरा के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से के काम का निरीक्षण करेंगे। गडकरी को अप्रैल में काम का निरीक्षण करना था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण उनका दौरा स्थगित कर दिया गया था। गडकरी के दौरे की तैयारी NHAI ने शुरू कर दी है। रतलाम शहर के विधायक चैतन्य कश्यप ने कहा कि नई दिल्ली में हाल ही में एक बैठक के दौरान गडकरी ने रतलाम निवेश क्षेत्र को मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। कश्यप ने कहा कि उन्होंने गडकरी का ध्यान आकर्षित किया कि MPIDC के तहत 1800 हेक्टेयर में नया निवेश क्षेत्र बनना है, जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे से सिर्फ 8 किलोमीटर और बचली हाईवे हवाई पट्टी से 5 किलोमीटर दूर होगा। कश्यप ने कहा कि गडकरी ने नए निवेश क्षेत्र से जुड़ी संभावनाओं को राज्य सरकार के साथ उठाने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी हाल ही में आश्वासन दिया है कि हवाई सेवा शुरू करने के लिए बंजरी हवाई पट्टी को अपग्रेड किया जाएगा। विधायक ने कहा कि एक बार नए निवेश क्षेत्र को एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया जाए तो औद्योगिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा और इससे आदिवासी लोगों के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। तो ये था सबका अपडेट, जैसा कि आपने जाना। ऐसे हर वक्त हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। वॉइस ऑफ एमपी पर जय जय भारत।